शुक्रवार यानी 19 जून से रमजान का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, जिसमें दिन भर खाना और पानी का ग्रहण नहीं करते हैं। शाम में सूरज डूबते ही रोजा पूर्ण कर खजूर और पानी से रोजा खोलते हैं। एक पूरे महीने रोजा रखने के बाद ईद मनाई जाती है, जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। नवी मुंबई में भी रमजान के महीने को काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। मस्जिदों में काफी तादाद में नमाजी दिख रहे हैं, दुकानों में भी काफी रौनक दिख रही है। नवी मुंबई आवाज ने नवी मुंबई करों से बात कर रमजान का महत्व जाना। रोजा हर तरह का रोजा है, आपकी आँख का रोजा, गलत मत देखो, झूठ मत बोलो, समझे ना, खाना भी कम, गरीबों कैसे रहते हैं भूखे पेट, ये तमाम चीज़ें आदमी रियल जिंदगी में प्रैक्टिस में लाए, यही रोज़ा है और अल्लाह की इबादत करना है इसमें, और उसने जो कुछ हमको रहमतें बरकतें दी हैं उसको कबूल करते हुए उसका एतराफ़ करना है। रात में हम लोग निफल नमाज पढ़ते हैं तरावी की 20 रकात, समझे ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह जो कुछ हमको दिया है उसका शुक्राना अदा करे। नहीं नहीं, उसमें उद्देश्य देने का मतलब ही नहीं है। उद्देश्य तो हमको 1400-1500 साल पहले मिल गया कि रमज़ान का महीना आने वाला है, उसमें ये करना है, ऐसा ऐसा करना है, तो वो हम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से करते हैं और वो हमारे ही लिए फ़ायदेमंद होता है। इस कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ये जो कुरान जो है पूरे कायनात के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो उस अल्लाह ने, उस गॉड ने क्या फरमाया कि सब के लिए ये किताब हिदायत है, अगर इसको जानेंगे, पढ़ेंगे, अमल करेंगे, कि सारी इंसानियत की चीज़ें इस कुरान के अंदर है। नवी मुंबई में रहने वाले सभी मुस्लिम रमजान के महीने को लेकर काफी खुश है। रोजा रख के वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। रोजा खोलने के वक्त को इफ्तार कहते हैं और इसमें खाए जाने वाले फल, कबाब, फालूदा और दूसरी चीजें बाजारों में बिक रही है। नवी मुंबई आवाज सभी मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद देता है। वीडियो जर्नलिस्ट मूसा के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट।